पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इंदौर भोपाल एक्सप्रेसवे ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम दिया है। मंत्री वर्मा के मुताबिक इंदौर भोपाल एक्सप्रेसवे का निर्माण 5,500 करोड़ की लागत से हुआ। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश की पहली सर्व सुविधा युक्त टाउनशिप बनाई जाएगी। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इंदौर से भोपाल तक में ये आ रहा है, देवास में नहीं है, इंदौर से भोपाल तक वो सड़क बन रही है, 6 लेन।